नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर जिले के चित्रकूट महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने महोत्सव में बस्तर संभाग के सभी जिलों को 208 करोड़ 32 लाख रुपए से अधिक राशि के 643 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन कार्यों में 104 करोड़ 20 लाख 61 हजार की लागत से 177 विकास कार्यों का लोकार्पण और 104 करोड़ 11 लाख 65 हजार रुपए की लागत से 466 विकास कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय द्वारा बस्तर जिले के 12 करोड़ 40 लाख 69 हजार की लागत से 31 विकास कार्य, सुकमा जिले के 10 करोड़ 27 लाख की लागत से 8 विकास कार्य, नारायणपुर जिले के 35 लाख 24 हजार की लागत से 3 विकास कार्य, बीजापुर जिले के 25 करोड़ 83 लाख 18 हजार की लागत से 104 विकास कार्य, कोंडागांव जिले के 1 करोड़ 8 लाख 46 हजार की लागत से 15 विकास कार्य, कांकेर जिले के 47 करोड़ 10 लाख 70 हजार की लागत से 14 विकास कार्य और दंतेवाड़ा जिले के 7 करोड़ 15 लाख 28 हजार की लागत से 2 विकास कार्य का लोकार्पण किया गया। भूमि पूजन शिलान्यास के तहत बस्तर जिले में 10 करोड़ 45 लाख 75 हजार की लागत से 108 विकास कार्य, सुकमा जिले में 8 करोड़ 50 लाख 86 हजार की लागत से 6 विकास कार्य, नारायणपुर जिले में 8 करोड़ 73 लाख 77 हजार की लागत से 14 विकास कार्य, बीजापुर जिले में 10 करोड़ 43 लाख 37 हजार की लागत से 70 विकास कार्य, कोंडागांव जिले में 4 करोड़ 28 लाख 17 हजार की लागत से 7 विकास कार्य, कांकेर जिले में 23 करोड़ 47 लाख 46 हजार की लागत से 29 विकास कार्य और दंतेवाड़ा जिले में 38 करोड़ 22 लाख 27 हजार की लागत से 232 विकास कार्य की सौगात मुख्यमंत्री साय ने दी है। आज से 3 दिन से चित्रकूट महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। उनका सौभाग्य है इस शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर साक्षी बने हैं। सबसे पहले तो पूरे उत्तरवासियों को चित्रकूट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। हमारे महोत्सव पिछले 14 वर्षों से चल रहा है, हर साल इसकी सफलता बढ़ रही है। निश्चित रूप से पहले इस महोत्सव के लिए 10 लाख रुपया मिलता था शासन की तरफ से, उसको बढ़ा के 15 लाख रुपया दिए हैं और उसी तरह से जो बस्तर दशहरा जो पूरे देश में फेमस है उसके लिए भी 35 लाख मिलता था, उसको बढ़ा के 50 लाख रुपया दिए हैं। और एक और इधर होते हैं तीरथगढ़ महोत्सव भी है, उसके लिए भी आज पहली बार मांग आया है तो 5 लाख रुपये उसके लिए भी सहयोग के लिए देंगे। इस तरह से आज सरकार की तरफ से ये घोषणा हुई है और आज 208 करोड़ रुपये का पूरे संभाग के अंदर भूमि पूजन और लोकार्पण का काम हुआ है। सर, चुनाव के दौरान धर्मांतरण बड़ा मुद्दा रहा हुई है। कानून तो पहले से है लेकिन उस कानून को और कड़ा करने की आवश्यकता है। विटाम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास की ठाकुर की रिपोर्ट।